नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नंदुजार सीके चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1994 से 1990 तक जारी किए गए 50 पैसे के सिक्कों के बारे में। कोपरनिकल से जारी किए गए ये सिक्के कौन कौन सी मिंट से रेयर हुए और कितनी कितनी वैल्यू दे सकते हैं, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे कॉमेंट ऐसे आते हैं कि हम इन सिक्कों को सेल करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप लोग इन सिक्कों को सेल करना चाहते हैं तो उससे पहले इस वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हमें सही जानकारी नहीं होती है और हम गलत सिक्का लेके एग्जीबिशन पे पहुंच जाते हैं और वो सिक्का सेल नहीं होता है। जरूरी नहीं है एग्जीबिशन में ही जाए, किसी कॉइन डीलर से भी आप मिलेंगे तब भी आपको कोई बेनिफिट नहीं होता जब तक आपके पास कोई रेयर वैरायटी का सिक्का नहीं होता। तो चलो जानते हैं वो कौन सा सिक्का है, क्या पहचान होती है और कितने रुपए में आप उसको सेल कर सकते हैं, और अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं अपने कलेक्शन के लिए तो आप इसके लिए कितने रुपए खर्च सकते हैं। तो भाई इस वीडियो में और आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे 1986 के 50 पैसे के सिक्के से। ये 50 पैसे का सिक्का आपको अलग अलग मिंट में देखने को मिल सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि जो ईयर है उसका जो मिंट है वो दोनों सेम होगा तभी वो रेयर होगा। 1986 में आपको मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद तीन अलग अलग मिंट से सिक्का देखने को मिल सकता है। अगर आपके पास में मुंबई मिंट का सिक्का होगा तो रेयर होगा, कोलकाता मिंट का होगा तो कॉमन होगा, और अगर वो हैदराबाद मिंट का होगा तब भी कॉमन होगा। तो आपको देखना है 1986 का मुंबई मिंट का सिक्का। मुंबई मिंट के सिक्के की जो पहचान है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक डायमंड का मिंट मार्क देखने को मिल सकता है। इस डायमंड के मिंट मार्क से ही इस सिक्के की रेयरिटी होती है। अगर आपके पास में 1986 का ऐसा डायमंड मिंट मार्क का सिक्का है तो इस एक सिक्के की कीमत आपको 3,000 से लेकर 10,000 तक मिल सकती है। अभी डिपेंड करेगा वो किस कंडीशन में होगा जो आपके पास सिक्का होगा वो। अगर फाइन कंडीशन में होगा तो 3,000 मिल सकते हैं। एक्स्ट्रा फाइन से वेरी फाइन कंडीशन में जो भी सिक्के होते हैं इनकी वैल्यू हो सकती है 5,000 से लेकर 7,000 के बीच में। और अगर जेन यूएनसी मतलब यूएनसी कंडीशन में जो अनसर मतलब जो टच सिक्का होता है वो सिक्का आपको 10,000 की वैल्यू दे सकता है। तो ये तो हो गया 1986 का मुंबई मिंट का सिक्का। पहचान है वो आप लोग देख सकते हैं, डायमंड देखना आपको ईयर के नीचे। ये हो गया 1986 का। अब बात करते हैं 1988 के सिक्के के बारे में। 1988 में भी ये मुंबई की मिंट से सिक्का जारी किया जाता है, वो कॉमन होता है। और ऐसा ही सिक्का आपको हैदराबाद की मिंट से भी देखने को मिल सकता है, वो भी कॉमन होता है। तो इसमें आपको क्या देखना है, डायमंड का मिंट मार्क नहीं देखना है, स्टार का मिंट मार्क नहीं देखना है, आपको देखना है एक डॉट का मिंट मार्क। 1988 के नीचे अगर ऐसा डॉट बना हुआ होता है तो वो सिक्का रेयर होगा। और अगर बात करें इस सिक्के की कीमत की तो ऐसा सिक्का आपको 5,000 से लेकर 20,000 तक की वैल्यू दे सकता है। 1988 का डॉट मिंट मार्क का अगर 50 पैसे का ऐसा कॉपर निकल का सिक्का होता है तो आपको 5,000 से लेकर 20,000 तक मिल सकते हैं। ये भी डिपेंड करेगा वो किस कंडीशन में होगा और जो बायर सेलर वो दोनों पर डिपेंड करता ही करता है। लेकिन 1988 के नीचे दूसरा कोई भी मिंट मार्क होगा, डायमंड होगा, तो वो कॉमन होगा, वैल्यू 5 रुपए तक हो सकती है। इसके लिए इस सिक्के को अच्छे से वेरीफाई पहले करना जरूरी होता है सेल करने से पहले। अब बात करते हैं 1989 के बारे में। 1989 में भी एक सिक्का जारी किया जाता है कोबर निकल का, और ये भी थोड़ा सा अलग टाइप का सिक्का होता है। इसमें आपको देखना होता है स्टार का मिंट मार्क। 50 पैसे का 1989 का ये स्टार मिंट मार्क का सिक्का होता है। तो इसकी फाइन कंडीशन में 1,000 रुपए मिल सकते हैं। एक्स्ट्रा फाइन वेरी फाइन कंडीशन में इस सिक्के की कीमत 1,500 रुपए तक हो सकती है, और यूएनसी कंडीशन में 3,000 तक की वैल्यू दे सकते हैं ये सिक्का भी। तो ये तीनों सिक्के सेल करने हैं तो आपको ये तीन चीज जरूर देखनी है। 1989 में मिंट के नीचे स्टार बना हुआ होना चाहिए, और 1988 के नीचे डॉट बना हुआ होना चाहिए, और 1986 के नीचे डायमंड बना हुआ होना चाहिए, तभी ये सिक्के रेयर होंगे। बाकी जो भी अदर मिंट के सिक्के होंगे वो सभी के सभी सिक्के कॉमन होंगे और वैल्यू 5 रुपए तक हो सकती है। तो ये है वो रेयर वैरायटी के सिक्के। अब इनको सेल करने के बारे में अगर आप लोग सोच रहे हैं तो इनको किसी अच्छे कॉइन डीलर को ले जाकर आप दिखा सकते हैं एग्जीबिशन में, वहां पे आपके सिक्का सेल हो जाएगा। अगर सेल नहीं भी होगा तो आपको एक रियल वैल्यू जरूर पता चल जाएगी कि इसकी वैल्यू क्या चल रही है। उसके बाद में आप इसका कलेक्शन कर सकते हैं, फ्यूचर में जब और ज्यादा वैल्यू बढ़ेगी तो ये सिक्के आसानी से आपके सेल हो जाएंगे। तो ये है रेयर वैरायटी के तीन 1984 से 1990 तक के 50 पैसे के सिक्के। जानकारी अच्छे से समझ में आई वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले वीडियो इससे भी अच्छी जानकारी लेके आ सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।